देख रहा हूँ कैसे यार ठैचम ठैच हो रखा है। आरा दुर्ग एक्सप्रेस, ये साउथ का ट्रेन है, साउथ बिहार का ट्रेन है, वो हावड़ा की तरफ जा रही है अभी एक नंबर से। सो देख लिया साइकिल भी कैसे लटका हुआ है भाई, कहीं टकराया तो साइकिल जाएगा ऐसे ही। 10 नंबर किधर है? सो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे अपना सेकंड एसी है, उधर फर्स्ट एसी था। यहाँ से अपन लोग एंट्री लेंगे तो लाइक देख सकते हो दोनों साइड सारे लोग पैक करके ही रहते हैं सेकंड। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और इधर की साइड देखो गाइस बेसिन कितना भी नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो गाइस। भाई सुबह सुबह तो मजा आ गया यार, हाँ क्या मस्त एकदम रोशनी देख रहे हो क्या मस्त वाला एकदम सीन भी लग रहा है अपने। गाइस अभी अपना आ गई है अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस। सो ये अपना भाई ये तो सेकंड एसी है, अब फर्स्ट थर्ड एसी है। तो जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बड़े होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बख्तियारपुर और यहाँ से अपनी ट्रेन है जो कि बख्तियारपुर से हावड़ा की ओर अपने को। गाइस ये देख सकते हो ये बख्तियारपुर का इधर के साइड मार्केट है और इधर से जस्ट अपना यहाँ पे बाइक खड़ा हुआ है और फिर ये देखो अंदर बख्तियारपुर जंक्शन, इसके अंदर अपने को जानी है। 10:30 में अपना ट्रेन है जो कि अमृतसर से हावड़ा जाती है वही, और अपने को छोड़ने के लिए आया राहुल और अभिषेक दोनों छोड़ने के लिए अपने को रात में 9:30 बजे। सो अभी अपन लोग यहाँ से चलते हैं अंदर के साइड और अंदर के साइड आपको दिखाते हैं बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन और फिर अपना ट्रेन आएगी ना उसका ट्रेन में जाएंगे, फिर आपको ट्रेन भी दिखाएंगे। तो ये देखो अपना कुछ खाने वाला सामान है तो इसको ले लेते हैं और फिर यहाँ से अपन लोग एंट्री लेंगे क्योंकि उन लोगों को अभी जाना भी है यहाँ से, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ना इसी कारण से। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर आपको स्टेशन में दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ से एंट्री लोगे तो यहाँ पर टिकट ऐसे मिलते हैं और यहाँ से अंदर आप लोग ऐसे जा सकते हो। लाइक यहाँ पे कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, सफाई ये सब चल रहा है, प्लस अभी यहाँ पे तिलैया दानापुर एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है वो आई है अभी, तो साउथ बिहार एक्सप्रेस वो नहीं, तिलैया वाला भी नहीं आई है, साउथ एक्सप्रेस आई है। यहाँ पे देखो यार अपना एक नंबर पर ही आएगी अपना भी ट्रेन जो आ रही है ना अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस, वो एक नंबर पर ही आएगी। बट यहाँ पे देखो यार सारे लोग कैसे रेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हो प्लस RPF वाले भी यहाँ पे हैं। और ये देखो काफ़ी दिनों बाद अपना ये ब्लॉग होने वाला है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसके कारण कुछ दिन से ब्लॉग नहीं ला पाए थे, लेकिन ये वाली पोस्ट होने वाली है बहुत ही जल्द और फिर आपको कोलकाता का भी टूर करवाएंगे गाइस। देख रहे हो कैसे यार ठैचम ठैच हो रखा है। आरा दुर्ग एक्सप्रेस, ये साउथ का ट्रेन है, साउथ बिहार का ट्रेन है, वो हावड़ा की तरफ जा रही है अभी एक नंबर से। सो देख लिया साइकिल भी कैसे लटका हुआ है भाई, कहीं टकराया तो साइकिल जाएगा ऐसे ही। कैसे यार ये लोग ट्रेन को भी मालगाड़ी बना देते हैं, ये देखो प्लस इधर से देखो कैसे लटक लटक के लोग जा रहे हैं। आगे साइड देखो ना और भी ऐसे ही सब जा रहे हैं। अभी 10 बजने वाला, लाइक 9:40 हुआ है और यहाँ का माहौल देखो भाई, प्लस सारे स्टूडेंट हैं, एग्जाम है सब अभी चल रहा है ना इधर। देखो ये मालगाड़ी जा रही है भाई, कितना फास्ट जा रही है, देख रहे हो बहुत फास्ट जा रही है भाई, एकदम क्रॉस पे आने का आवाज से एकदम किया भाई, कितना बोगी होता है, काउंट कर रहे हो काउंट कर रहे हो कितना बोगी है, बहुत ही तगड़ा वाला भाई, काउंट करते करते थक जाओगे, एंड हो गया भाई। हवा कितना जोर का है, ये देखो ये भाई साहब भयानक हवा रहा एकदम मस्त वाला, इधर चला गया और ये अपना बख्तियारपुर स्टेशन। गाइस अभी अपना आ गई है अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस। सो ये अपना भाई ये तो सेकंड एसी है, अब फर्स्ट थर्ड एसी है। सेकंड एसी आगे चला गया क्या भाई, मैप में तो कुछ और शो कर रहा था, H1 वो बीच में था, 2-3 बोगी के पीछे ही था, ये तो B आ गया, M1 इसके आगे शायद H1 है। सो उसमें चलते सेकंड एसी में, अंदर के साइड आपको मिलते हैं डायरेक्ट गाइज। सो फाइनली गाइज ये देख लो HA1, इसी में अपना 10 नंबर सीट है, मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ आप देख सकते हो। सो इसी में अपना सीट है, जाते हैं अंदर के साइड फिर देखते हैं। तो गाइज ये देखो 10 नंबर किधर है, सेकंड एसी है, आ गया ना। अरे भाई ये तो फर्स्ट एसी था, ये सेकंड एसी भाई, इधर ही है क्या, कौन सा भाई जी अपना सेकंड एसी है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा सेकंड एसी है, जो सरन जी भी था ना उसका थर्ड मतलब फर्स्ट एसी के बराबर ना इसका सेकंड एसी है अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस का। सो इधर का देख रहे हो क्लीननेस देखो भाई, मतलब अमृतसर से खुल के आई है और इतना क्लीन अभी भी है, टॉयलेट है सब भाई काफी अच्छा है, प्लस सीट पे तो अभी अंधेरा हो रखा है, तो जब सीट का उजाला होगा ना तब तो सुबह के टाइम ना मैं आपको दिखाऊंगा कैसा सीट है। लाइक सेकंड एसी में ना दोनों साइड दो दो सीट ही होता है, प्लस विंडो साइड दो सीट होता है, तो टोटल 6 सीट होता है एक कैबिन के
तरफ है, मतलब केबिन की तरह डिवाइड पूरा नहीं होता, लेकिन हाँ केबिन मान लो एक केबिन में 6 सीट होता है। तो सोचो यार अपन लोग सेकंड एसी से भी ट्रैवलिंग कर रहा है, बट आते वक्त अपन लोग फर्स्ट एसी दिखाएंगे राजधानी हावड़ा एक्सप्रेस का। तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाना आपको, तो मैं भी आपको इसी वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा। सो फाइनली गाइज अभी मैं अपना सीट पे हूँ और फिर आप लोग देख सकते हो यार अंधेरा कितना हो चुका है, क्योंकि सारे लोग सेकंड एसी में ना पर्दा लगा के रखते हैं। और अभी टाइम आप लोग देख सकते हो 10:56 हो चुका है, और इधर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ ना तो देखो सारे लोग कैसे पर्दे लगा के रखते हैं, क्योंकि यार सेकंड एसी है ना, यहाँ पे जो भी रहते हैं ना सारे लोग अपना पर्दा लगा के रहते हैं कि कोई किसी को डिस्टर्बेंस ना करे। प्लस यहाँ पे हर जो भी दोनों तरफ गेट है ना, दोनों तरफ पुलिस की गार्डिंग रखती है, आरपीएफ की गार्डिंग रहती है। सो गाइज अभी हो चुकी है सुबह, लाइक अभी 6:30 हो रहा है, और यहाँ नीचे देखो ना तो नीचे सारा जगह तीनों सीट खाली हो चुका है, क्योंकि जो भी 3 लोग थे ना इधर नीचे 2 और ऊपर 1, वो सारे लोग जा चुके हैं। प्लस 1 मेरे से ख्याल से हैं क्योंकि उनका शो भी यहाँ पे है। और नीचे से व्यू देखो ना बाहर की तरफ, तो बारिश हुई उसके कारण थोड़ा सा फॉग जम गया बाहर से, प्लस अंदर से भी थोड़ा बहुत फॉग है, क्योंकि यार इसका एसी ना काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है और अपने को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था, क्योंकि मैंने ब्लैंकेट रात में नहीं लिया था, बस इसे ही आया नॉर्मली सा वीडियो बनाया और फिर सो गया था। और ये अपना कुछ सामान है, लाइक देख सकते हो बैग वहाँ पे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा नीचे उतर के ना आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। सो ये देखो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा पर्दा रहता है, प्लस नीचे का सीट देखो ना आप, तो दोनों तरफ का सीट कुछ ऐसा है, प्लस जो भी उठ के गए थे ना उनका बेड बस वैसा ही, क्योंकि अभी सुबह हो चुकी है। कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही घंटे बाद ना अभी अपना स्टेशन आएगी, उसके बाद अपना जो भी सफाई करने वाले होते हैं ना वो सफाई करने के लिए आएंगे, तो सारा कुछ बेड लेके जाएंगे। और यहाँ से मैं अभी आपको बाहर दिखाऊँ ना, तो सुबह के टाइम ये देखो कुछ ऐसा सीन होता है, लाइक अंदर तो अंधेरा टाइप का ही रहता है इसीलिए लाइट जला हुआ रहता है, बट बाहर के साइड देखो तो उजाला दिख रहा है, क्योंकि सूरज का रोशनी थोड़ा थोड़ा सा एकदम दिख रहा है, प्लस बाहर के साइड देखो ना तो पूरा फॉगी फॉगी सा लग रहा है। सो फाइनली गाइज अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट एसी के साइड से थोड़ा सा बाहर आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ का देखो सामने साइड बेसिन है, और यहाँ पे फर्स्ट एसी का टॉयलेट है गाइज, वॉशरूम इसको बोल सकते हैं वो है। और यहाँ से मैं अभी आपको बाहर की साइड दिखाऊँ ना तो कुछ ऐसा सामने की साइड कुछ सारा एसी वेसी का फिक्स रहता, प्लस गेट खोल के देखो ना तो अभी दिन का नज़ारा है गाइज, क्योंकि सुबह हो चुकी है, बाहर का नज़ारा देख रहे हो कितना प्यारा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइज अपने को। प्लस आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। और इसके बाद ना मैं अभी आपको ना फर्स्ट एसी होते हुए सेकंड एसी में जाके दिखाता हूँ, तो इसके लिए भी अपने को अंदर जाना पड़ेगा, और फिर भी अपन लोग जा रहे हैं फर्स्ट एसी की तरफ। और यहाँ से देखो ना तो बाहर कितना अच्छा दिख रहा है, और यहाँ से अगर गेट खोलोगे ना तो फर्स्ट एसी का केबिन होता है ना, जो कि काफ़ी धमाकेदार बहुत ही अच्छा होता है, देख सकते हो फर्स्ट एसी है। और यहाँ से अपना सेकेंड एसी, लाइक एक ही केबिन है, एक ही बर्थ है, उसी में फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से अपना सेकंड एसी स्टार्ट होता है, और यहाँ से अपना सीट मैं आपको दिखाता हूँ जाके, क्योंकि एंट्री लिए थे ना रात में तो अच्छा से दिखा नहीं पाए थे, इसी कारण से मैं अभी आपको सुबह के टाइम में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से अपना एंट्री है, 10 नंबर सीट है, और अभी बाहर की साइड देखो ना तो कुछ ऐसा नज़ारा है, प्लस सूर्य का रोशनी अंदर से देखो ना तो गाइस ऐसा लाल लाल एकदम सुबह सुबह। सो गाइस सुबह उठो बस ऐसे ही मज़े से आराम से बैठे हुए नीचे की साइड, इधर का थोड़ा सा बेड ये सब है ना, सारे लोग जैसे तैसे करके चले गए, और ठंड इतना है ना सेकंड एसी में, इतना ठंड लग रही है ना कि पूछो ही मत। बट फिर भी आपको मैं अभी इधर का बेड दिखाता हूँ, प्लस बाहर का व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बेड का हाल कुछ। सो गाइस ये देखो अपना जैसा घर में नल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर नल फिक्स है। तो मैंने सोचा यार सारा कुछ दिखा दे तो नल को क्यों छोड़े, तो ये नल भी आपको दिखा देते हैं। अपना घर में ना ऐसा ही नल है, क्योंकि अपना गांव में ऐसा ही नल मिलता है, बाकी और सभी जगह कोलकाता दिल्ली ये सब में तो कुछ अलग एडवांस लेवल का यूज करते हैं ना, बट अपन लोग का घर में यही गाँव का घर में रहता है। प्लस यहाँ से बाहर देखो ना तो भी अपन लोग कौन सा लोकेशन पर रुके हुए ये मेरे को अच्छा से पता नहीं, बट अभी यहाँ पे स्टॉप है ट्रेन, लगभग यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है ट्रेन को रुके हुए, और 10 मिनट से अपन लोग को स्टॉप है। प्लस बाहर की साइड देखो ना तो ट्रेन का व्यू कुछ ऐसा आता है बाहर के साइड से, बट सो गाइस सेकंड एसी का बेनिफिट क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको 4 सीट मिलेगी, प्लस फुली पैक रहेगी आपको। प्लस इधर के साइड देखो ना तो यहाँ पे कुछ आपको लेदर टाइप का सीट दिख रहा है, ये बिल्कुल बेड का ही लेदर है। यहाँ पे आप लोग ऊपर सोओगे ना तो जो भी फ़ोन पैसा जो भी गिरेगा ना वो इसी लेदर में अटक जाती है, नीचे नहीं गिर पाती, इसीलिए आपका पैसा फ़ोन सारा कुछ सेफ होता है। दूसरा सेफ्टी इसका पर्दा है, जो कि आपको अंदर की तरफ कोई झांक नहीं सकता है, तो ये सेकंड एसी का सेफ्टी है। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो गाइज यहाँ का व्यू ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह का सीनरी जो भी होती है ना, सुबह का व्यू जो भी होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है। प्लस अपना देख सकते हो रेड वाला जो ट्रेन दिख रहा था ना, ये अपना हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस था जिससे अपन लोग उतरे, और अभी अपन लोग
प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, लाइक प्लेटफॉर्म नहीं, अपने को एग्जिट करना उधर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से अपन लोग निकले हैं और जाने का तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टेशन ना खुद में एक बहुत ही अच्छा स्टेशन लगता है यार। मतलब देख सकते हो आप लोग कैसा स्टेशन है, प्लस में इसका एक स्पेशल सा फुल हावड़ा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो लाऊंगा, वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है। सो मैं अभी पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, बस यहाँ से एग्जिट करूँगा, उसके बाद अपने को एयरपोर्ट जानी है। जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारा कुछ अपडेट करूँगा एयरपोर्ट क्यों जानी है अपने को। तो अभी फ़िलहाल तो अपन लोग यहाँ से निकलते हैं और बस देख रहे हो अपन लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, लोग देखते जा रहे हैं भाई क्या कर रहा है। बट फिर भी यार ब्लॉगर क्या कर सकता है, एक ब्लॉग ही तो बना सकता है ना। तो बस अभी अपन लोग इधर के साइड से बाहर की ओर जा रहे हैं और काफ़ी पीछे रह गई थी क्योंकि सेकेंड एसी थी जो कि पीछे, मतलब सबसे पीछे में थी उसका बर्थ, तो उसके लिए अपने को आगे जाना पड़ेगा। तो अभी अपन लोग आगे की ओर चल रहे हैं और बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। कुछ साइड साइड के लोग हैं ना, वो भी कभी कभी पलट पलट के देखते हैं भाई क्या करता जा रहा है। बट फिर भी अपन लोग तो ऐसे ही ब्लॉगिंग बनाते हुए जा रहे हैं और थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना थकान टाइप का भाई बोलते बोलते, तो बस चलते जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ से ना आप लोग ऊपर जा सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो सीढ़ी, यहाँ से ऊपर जा सकते हो। प्लस बाजू से ना आपको आगे के साइड से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको मिलेगी लिफ्ट जो कि पता नहीं अभी चालू है या फिर नहीं, मेरे को नहीं पता। बट पहले के टाइम में मे भी चालू होती होगी शायद, पहले के टाइम में मेरे को तक कन्फर्म पता है नहीं बस। बट इस टाइम थोड़ा सा भीड़ है यार अभी, मतलब आप लोग देख सकते हो भीड़ है यहाँ पे। सो गाइस सोच रहे अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।